और अब बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिले के भमीठा थाना अंतर्गत गांव में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किशोरी घर पर अकेली थी और दरवाजा अंदर से बंद था। इस दौरान करीब 5:30 बजे उसका छोटा भाई घर आया और दरवाजे को खटखटाया। तभी पड़ोस में रहने वाले लड़के को उसने दीवार फांद कर भागते हुए देखा, जिसके बाद भाई पहुंचकर परिजनों को जानकारी दिया। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसे देखते हुए तत्काल भमीठा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रात्रि में पहुंचकर शव को सुरक्षित रखवाया। वहीं घटना संदिग्ध होने के कारण सुबह FSL की टीम को बुलाकर शव का परीक्षण करवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए राजनगर भेज दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मामले में उचित कार्रवाई हो सकेगी। क्या नाम भैया? भगवान दास जी। क्या हो गया, कैसी घटना हुई बताइए। ऐसा हुआ जी कि मैं बैठा था तालाब के पास पे, मेरा छोटा बच्चा आया तो घर पे तो सांकर खुरखुराया और सो दो लोग, एक लोग घुसा था घर में तो भग के गया मेरे पास बताने, तो मैं आया घर में लड़की कुछ जो घुसा था उसका नाम क्या है? उसका जीतेंद्र नाम था। फिर क्या हुआ? फिर जय हुआ सर, मोड़ी मिली नहीं है मेरे को, पार हो गए।